मैं हूं शिल्पी सेठ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। जनपद झांसी के थाना बबीना अंतर्गत ग्राम नोहरा से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां बसई में निवास करने वाले आवकारी ठेकेदार व समाज सेवी अशोक राय की फॉर्च्यूनर कार जेसीबी की टक्कर से असंतुलित होकर कुएं में जा गिरी, जिससे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। बबीना थाने में तहरीर देते हुए मृतक अशोक राय के भांजे बड़ौरा के प्रधान धर्मेंद्र राय पुत्र स्वर्गीय संतोष राय निवासी ग्राम बड़ौरा थाना बबीना जिला झांसी ने बताया कि उनके मामा आवकारी ठेकेदार अशोक राय आज रविवार को सुबह 11 बजे अपनी फॉर्च्यूनर कार क्रमांक MP32C24 द्वारा बसई से बड़ौरा की ओर आ रहे थे। जैसे ही वे ग्राम नोहरा के पास पहुंचे तो जेसीबी क्रमांक MP09GH0121 ने उनकी कार में टक्कर मार दी, जिससे उनकी कार असंतुलित होकर सड़क किनारे बने कुएं में जा गिरी। ग्रामीणों ने भारी मशक्कत के बाद उनके मामा अशोक राय और अन्य दो लोगों को कुएं से बाहर निकाला। बताया कि अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। उक्त घटना के बाद जेसीबी चालक मौके से फरार हो गया था। फिलहाल जेसीबी अज्ञात बताई जा रही है। बबीना थाना पुलिस ने जेसीबी को अपने कब्जे में लेकर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। वहीं उक्त घटना से बसई, नोहरा, बड़ौरा और बबीना में शोक का माहौल है, क्योंकि मृतक आवकारी ठेकेदार अशोक राय एक समाज सेवी भी थे और वे अक्सर आसपास के क्षेत्रों में होने वाले सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से गौरव कुमार के साथ विजय वर्मा की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।